दोस्तों आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर ही आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। और ये टॉपिक हर एक सेल्समैन के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्समैन का काम होता है प्रोडक्ट बेचना। और जब आप प्रोडक्ट बेचने क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर देता है, ना कर देता है आपका क्लाइंट, तो उस ना को हमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपने एक छोटा सा पॉइंट भी मिस कर दिया तो दोस्तों आप इस ना को हां में कन्वर्ट करना नहीं जान पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज को पाने के लिए आप मेहनत करते हो और सामने से ना सुनने को मिले तो कितना दुख होता है। दोस्तों कैसा लगता है जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जब क्लाइंट के पास जाते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन क्लाइंट उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ना कर देता है, कितना दुख होता है। कितनी मेहनत करते हो आप, जी जान से लगा के उसको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो, लेकिन वो क्लाइंट मना कर देता है। दोस्तों होता क्या है कि सेल्स में हम लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम सामने वाले की जरूरत को नहीं समझते हैं कि सामने वाले की जरूरत क्या है। हम किसी से मिलने गए, चाहे वो कोई भी हो, क्लाइंट हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, हम जाके उसको प्रोडक्ट बताना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब आपको कोई सामान खरीदना होता है तो आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं आप सामान खरीदने के लिए। आपको साबुन खरीदनी है तो आप दुकान पे जाएंगे, आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप दुकान पे जाएंगे, आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो आप दुकान पे जाएंगे, आपको मोबाइल खरीदना है तो आप दुकान पे जाएंगे। क्यों जाते हैं आप दुकान पे? क्योंकि आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है उस सामान को खरीदने की। तो फिर क्लाइंट को तो जरूरत नहीं है ना। क्लाइंट के पास आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो और आप बताते हो कि सर ये प्रोडक्ट हमारा खरीद लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सच में आपका बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं मानता हूं। लेकिन क्लाइंट को क्या मतलब है उस चीज से? आपका प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया हो, क्लाइंट को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को जरूरत नहीं है उस चीज की। तो जब भी आप कभी क्लाइंट के पास जाएं, क्लाइंट को के पास जाने के बाद आपको सिर्फ प्रोडक्ट की बात ही नहीं करनी है कि सर प्रोडक्ट ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए। ये हमने एक हमें रट्टा लगा लिया है हमने कि हम जब जाते हैं ना, जाते ही ये बोलते हैं कि सर ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, ये प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए, सर ये पॉलिसी बहुत बढ़िया, ये पॉलिसी आप खरीद लीजिए, सर बच्चे की पढ़ाई के लिए काम आएगी। ऐसा नहीं भाई, क्लाइंट को मतलब नहीं है। क्लाइंट को जब तक क्लाइंट की जरूरत नहीं होगी, क्लाइंट नहीं खरीदेगा। तो जब आप किसी भी प्रोफेशन में, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो पहला काम आपका यह है कि आप क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट की जो नीड है उसको क्रिएट करें, क्लाइंट की जरूरत को क्रिएट करें कि क्लाइंट की जरूरत है कि नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए। अगर नहीं है तो फिर आपका काम है उस जरूरत को क्रिएट करना, उस नीड को क्रिएट करना, उसकी जरूरत को समझो कि उसकी जरूरत क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है, वो कहां पर वीक है, जहां पर वो वीक है वहीं पर उसको सपोर्ट लगाओ। तो दोस्तों आप सेल्स में हो, आपका काम ही ये है कि सामने वाले की जो नीड है उसको क्रिएट करना। जब तक आप उसकी नीड को क्रिएट नहीं करेंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी जोड़ लगा लेंगे, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट समझा लेंगे, कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन दे लेंगे, लेकिन सामने वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा आपका। अगर आपने उसकी नीड को क्रिएट कर दिया तो वो तुरंत ग्रैब कर लेगा आपके प्रोडक्ट को, तुरंत आपके प्रोडक्ट को ग्रैब करेगा, तुरंत आपकी पॉलिसी को ग्रैब करेगा, तुरंत आपकी पॉलिसी को खरीद सकता है। कोई मेरे पास, अगर आप मेरे पास आते हो कि सर मैं ये मोबाइल लेके आया हूं, मेरी कंपनी ने नया मोबाइल लॉन्च किया है, अब मेरे पास पहले से एक मोबाइल है, ये देखो मेरे पास पहले से एक मोबाइल है, कितना भी अच्छा उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हो, कितना भी अच्छा मोबाइल लॉन्च कर दिया हो, लेकिन जब तक मेरे पास मोबाइल है तो मुझे दूसरे मोबाइल की जरूरत नहीं है, मुझे क्या लेना देना कोई कितना भी अच्छा मोबाइल लॉन्च करे। तो भाई सामने वाले की जरूरत को आपको क्रिएट करना है। जब तक उसकी जरूरत को आप नहीं उसको बताएंगे कि सर आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत इंश्योरेंस को लेने की है, आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंड है, आपके छोटे छोटे बच्चे आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनके स्कूल की फीस जाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जाता है, घर के खर्चे चलाने के लिए आपकी इनकम से ही पैसा आता है, लेकिन सर अगर ये इनकम बंद हो जाए तो कैसे आपका परिवार सर्वाइव कर पाएगा। तो पहले आपको उसकी नीड को क्रिएट करना है। जब आप उसकी नीड क्रिएट हो जाएगी वो खुद आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट को प्रोडक्ट समझाया, लेकिन आज उसकी नीड नहीं थी, उसने प्रोडक्ट समझ लिया, आप चले आए, आप उसको अगर रेगुलर फॉलोअप कर रहे हो तो हो सकता है एक महीने के बाद उसको नीड लगे कि मेरे को इंश्योरेंस की जरूरत है। तो जब क्लाइंट की नीड होगी तो वो खुद आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। अब दोस्तों इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। मान के चलते हैं आपके घर में एक फंक्शन है, आपके घर में शादी है, आपकी सिस्टर की शादी है, तो उस शादी को अटेंड करने के लिए आपको पार्टीवेयर कपड़ों की जरूरत होगी, आपको पार्टीवेयर कपड़े लेने हैं। भाई बहुत क्लोज रिलेशन में शादी है, सिस्टर की शादी है, तो आपको अच्छे कपड़े पहन के वहां पे जाना है।
तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो आप शोरूम पे जाएंगे, आप ब्लैकबेरी के शोरूम पे जाएंगे, आप दूसरी पीटर इंग्लैंड के शोरूम पे जाएंगे, आप अलग अलग कंपनियों के शोरूम पे जाएंगे, वहां पे जाके आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे उनका, उनकी टी शर्ट देखेंगे, उनकी पैंट देखेंगे, उनकी टाई देखेंगे, उनके कपड़े की क्वालिटी चेक करेंगे, हर एक चीज आप चेक करेंगे। एक शोरूम पे पसंद नहीं आया, दूसरे शोरूम पे जाएंगे, दूसरे शोरूम पे पसंद नहीं आया, तीसरे शोरूम पे जाएंगे। तो यानी कि आपकी नीड है, आपको जरूरत है, तभी आप वहां पे जा रहे हो। कितनी भी गर्मी है, कितना भी खराब मौसम है, आप बिल्कुल जाएंगे क्योंकि आपकी जरूरत है। रात का समय हो गया, कल सुबह फंक्शन में जाना है आपको, तो आप चाहे रात के 10 बज जाए, आप बगैर खरीदे नहीं आएंगे क्योंकि आपकी जरूरत है। अब दूसरा, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी सैलरी आती है 30 तारीख को, लेकिन आपके पास सैलरी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तब भी आप उसको खरीद के लाएंगे। कैसे खरीद के लाएंगे, आज की डेट में हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप जाके क्रेडिट कार्ड दुकानदार को दोगे, वो स्वैप करेगा और वहां से पेमेंट करेंगे, फिर हो सकता है आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लें। देखिए दोस्तों, कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है, आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास पैसे नहीं थे तब भी आप सामान खरीद के लाए क्योंकि आपकी जरूरत थी। ये चीज बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके पास पैसे नहीं थे तब भी आप सामान खरीद के लाए क्योंकि आपकी जरूरत थी, लेकिन आपके पास अगर पैसे हैं और आपकी जरूरत नहीं है तो आप सामान नहीं खरीदेंगे। तो पहला काम है सेल्स में वही आदमी सक्सेस होता है, वही सेल्समैन सक्सेस होता है जो ये समझ गया, जो ये पॉइंट समझ गया कि आपको क्लाइंट की नीड को क्रिएट करना है। अगर आपने उसको बता दिया कि सर ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पीछे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपका परिवार है, आपके ना रहने पर आपका परिवार कैसे सरवाइव कर पाएगा, इसलिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है। इसका प्रॉपर अलग से सेशन में नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा, आने वाले टाइम में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट को समझा सकते हैं, राइट। अब कमाल की बात देखिए, उसके पास, उस बंदे के पास पैसा नहीं था, बगैर पैसे के वो सामान खरीद के लाया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके लाया, उसको उसने ईएमआई पे कराया जबकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आप किसी क्लाइंट की जरूरत को समझेंगे, उसकी नीड को क्रिएट करने के बाद उसको सही प्रोडक्ट बताएंगे, तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा। अभी तक हम गलती क्या करते थे, जाते ही क्लाइंट के पास बैठे और जाते ही अपनी फाइल खोली और प्रोडक्ट बताना शुरू कर दिया, सर ये पॉलिसी, सर तीसरी पॉलिसी, सर चौथी पॉलिसी। उधर से क्लाइंट मना करता जाता है, नहीं चाहिए मुझे ये पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी, नहीं चाहिए मुझे ये पॉलिसी, नहीं यार इसमें तो रिटर्न खराब है, इसमें रिटर्न अच्छे नहीं है। फिर आप कोई दूसरी पॉलिसी बता, अरे यार इससे बढ़िया तो HDFC में मिल रहा है, HDFC में मेरे को अच्छा प्लान मिल रहा है। तो कब तक आप प्रोडक्ट बताते रहोगे? और अगर आपने क्लाइंट की नीड को समझ लिया, उसकी नीड को क्रिएट कर दिया, तो वो आपसे पॉलिसी नहीं पूछेगा, फिर आप उसको बताओगे? कभी भी जाकर क्लाइंट के पास पॉलिसी गाना बंद कर दे, ये काम आपको नहीं करना है। आपको उसको समझाना है कि भाई इंश्योरेंस क्यों जरूरी है लाइफ में। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपने क्लाइंट की जरूरत को समझा, उसकी जरूरत को उसको समझाया, उसकी जरूरत को क्रिएट किया, उसकी नीड को क्रिएट किया, अगर उसको समझ आ गया तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन अगर आप उसको प्लान थोपने की कोशिश करोगे, आप उसको प्लान जबरदस्ती बेचने की कोशिश करोगे, तो वो आपका प्लान सुन तो लेगा लेकिन कभी नहीं खरीदेगा। तो ये चीज आज से अपने दिमाग में बिठा लें आप कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है। कभी भी आपको क्लाइंट को जोर जबरदस्ती करके प्रोडक्ट नहीं थोपना है, उसके ऊपर प्रोडक्ट नहीं थोपना है। और ये हकीकत है, मैं जो ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं थोपना है, तो ये हकीकत है। आपको उसकी जरूरत को समझ के उसकी जरूरत को फुलफिल करना है, उसकी जो जरूरत है उसको क्रिएट करके उसको फुलफिल करना है आपको। और अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट कितना भी महंगा है वो जरूर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। ये बात आप लिख के रख लो, आज मेरी बात लिख के रखना, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। दोस्तों अगर लाइफ में कभी कोई क्लाइंट आपको मना करे तो आपको क्या करना, मैं आपको बताता हूं। अभी तक जो मैंने बताया उसका तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। आप पॉलिसी समझाने के लिए गए, पॉलिसी बेचने के लिए गए, वो मना कर रहा है मेरे को पॉलिसी नहीं चाहिए, आप उससे पूछो कि सर एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आज आपकी कंपनी आपको कितनी सैलरी मिलती है? पहले तो आपको उससे पूछना है कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी फैमिली में कितने पर्सन है, कौन कौन उसके ऊपर डिपेंड है, कितनी उसकी एनुअल इनकम है, कितनी उसकी सेविंग है। ये तो आपको पूछना ही पूछना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट को बोलना है कि सर आप मुझे एक बात बताइए, आपकी कंपनी ने आपका प्रमोशन कर दिया, आपकी कंपनी ने आपका प्रमोशन कर दिया और आपको प्रमोट करके कंपनी USA भेज रही है,
और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल तक आपकी कंपनी आपको वहीं पर रखेगी, इंडिया में आने नहीं देगी। और सर आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी बंद हो गया, आप वहां से पैसे भी अपने घर नहीं भेज सकते हो। आप 10 साल तक यूएसए में रहेंगे क्योंकि आपकी कंपनी ने आपका प्रमोट कर दिया है, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी बंद हो गया, आप वहां से अपनी फैमिली को पैसा भी नहीं भेज सकते। सर आप अपने सबसे प्रियतम, जो आपके सबसे प्रिय हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, आपके सबसे क्लोज हैं, जिनको आप सबसे अच्छा मानते हो, आप ऐसे दो आदमियों के नाम लिखो जो अगले 10 साल तक आपके परिवार को हर साल 50,000 रुपए देंगे। जो आज आप अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हो 50,000 रुपए महीना, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने परिवार के एक्सपेंसेस के लिए, घर के खर्चों के लिए, आप उन दो लोगों के नाम लिखो जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने परिवार को छोड़कर, उनके आप नाम लिखिए, ताकि आपके ना रहने पर, जब आप विदेश में रहेंगे, जब आप यूएसए में रहेंगे, आपकी अब्सेंस में वो लोग आपके परिवार को 50,000 रुपए की इनकम दे पाएंगे। अब उसका दिमाग खिल जाएगा, अब उसका दिमाग खिल जाएगा, जो चीज वो मजाक समझ के बैठा था, अब उसकी आंखें खुल जाएंगी कि फैक्ट क्या है। तो आप उसको बोलो कि सर आप उन दो लोगों के नाम लिखो जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने बच्चे अपने परिवार को छोड़कर, उन दो लोगों के नाम लिखो जो आपके परिवार को 50,000 रुपए की इनकम अगले 10 साल तक देंगे आपके ना रहने पर। हो सकता है वो नाम लिख दे दो, क्योंकि बहुत सारे सियाने लोग भी होते हैं, हो सकता है वो दो नाम लिख दे कि ये दो नाम है, हो सकता है वो बोल दे कि नहीं ऐसा तो कोई नाम नहीं है। अगर उसने बोल दिया कि नहीं ऐसा कोई नाम नहीं है, तब तो डील क्लोज हो गई, तब तो आप उसको बता सकते हो कि सर देखिए यही मैं आपको बताना चाहता था, ये तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर भगवान के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि लाइफ टाइम तक आपको इस पृथ्वी पर नहीं आना है, अपने परिवार से दूर रहना है, तो कौन आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा, कौन आपके परिवार को इनकम देगा, कौन आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस देगा, कौन आपकी बेटी की शादी के लिए पैसा देगा, सोचा कभी आपने? ये चीज आपको क्लाइंट को बतानी है, तभी क्लाइंट की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों उसको बोलो कि सर मैं यही आपको बताना चाहता था, उसको समझ आ जाएगी बात। बहुत सारे लोग शाने होते हैं, वो बोलते हैं हाँ ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे ब्रदर हैं, मेरे भाई हैं, या कोई भी हैं, वो बताएगा कि ये है, मैं दो नाम लिख के देता हूं, तुरंत उसको फोन लगाओ, तभी उसको फोन लगाओ कि मिस्टर विकास मैं दीपक बोल रहा हूँ LIC ऑफ इंडिया से, आपके मित्र मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वो कह रहे हैं कि भाई उनके नारा उनकी कंपनी ने उनका प्रमोशन कर दिया है और उनकी कंपनी 10 साल के लिए उनको विदेश भेज रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, परिवार के खर्चे के लिए 50,000 रुपये की इनकम आप पे करेंगे हर महीने। तो वो बोलता है ठीक है मैं पे कर दूंगा, वो भी सियाना निकला, उसने बोला ठीक है मैं पे कर दूंगा, अब भाई क्या करें, उसने भी बोल दिया अब हाँ पे कर दूंगा, अब आगे बचा क्या? अब देखो आपको अपना सेल्समैन का दिमाग चलाना है, अपना दिमाग खोल के रखना है आपको, आपको बोलना है ठीक है सर बहुत अच्छी बात है, आपने अपने मित्र के बारे में ऐसा सोचा कि उनके बाहर जाने के समय पर आप उनके परिवार को 50,000 रुपए की मंथली इनकम पे करते जाएंगे अगले 10 साल तक। लेकिन सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि सर आप मुझे यह बताइए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपकी मंथली इनकम कितनी है कि मेरे को 1,00,000 रुपए महीना मिलते हैं? उधर से जवाब आता है कि मेरे को 1,00,000 रुपए महीना मिलते हैं। सर बिल्कुल सही, आपको 1,00,000 रुपए महीना मिलते हैं, आप अपने परिवार के लिए, अपने घर की EMI पे, अपनी गाड़ी की EMI पे, अपने बच्चों की फीस पर कितना पैसा खर्च करते हैं? आप ये सवाल उसने उससे पूछा, उसके मित्र से, तो वो बोलता है लगभग 60,000 से 70,000 रुपए मेरे महीने के खर्च हो जाते हैं। 1,00,000 रुपए कमाता है और 70,000 रुपए वो अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता है, बचे कितने? 30,000 रुपए। सर आपके पास 30,000 रुपए बचे और 30,000 में से भी आपके घर की EMI चली जाती है, कुछ आपने पर्सनल लोन ले रखा है उसकी EMI चली जाती है, और घर की कुछ शॉपिंग वगैरह हो जाती है वो चली जाती है, तो आपके पास 10,000 या 15,000 रुपए बचते हैं। तो सर आपके पास जब सेविंग ही 10-15,000 रुपए महीना की है, तो आप इनके परिवार को कैसे 50,000 रुपए महीना दे सकते हैं? अब फंस गया ना, अब फंस गया, अब उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसका दोस्त बैठा है सामने, उसके पास भी कोई जवाब नहीं है और उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। उसके पास जब 15,000 रुपए महीना बचा, तो वो कैसे 50,000 रुपए महीना उसके फैमिली को दे सकता है? अब वो बोलेगा नहीं यार मेरे पास तो 50,000 रुपए नहीं हो पाएंगे, सॉरी ये तो मैंने कैलकुलेशन की ही नहीं थी, सॉरी माफी चाहता हूं, 50,000 तो मैं नहीं पे कर पाऊंगा। अब वो क्लाइंट मेरे सामने बैठा है, वो क्लाइंट
चुप रह जाएगा बिल्कुल, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जिस अंधेरे में वो जी रहा था वो अंधेरा उसके सामने दिखाई दे रहा है उसको, उसको दिखाई दे रहा है कि कल अगर, उसको रियलिटी दिखाई दे रही है कि भाई कल अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कल अगर तू ना रहा तो तेरे परिवार को कौन देखभाल करेगा, तेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे जाएगी। अब उसको एक चीज और बोल दो कि सर ये तो मैंने बताया 10 साल के लिए, लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम के लिए भगवान के साथ हो गया कि आप हमेशा हमेशा के लिए चले गए तो कौन आपके परिवार की देखभाल करेगा, तो सर बीमा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको अपने परिवार को सिक्योर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब वो खुद बोलेगा बिल्कुल आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल मेरे को अपने परिवार को सिक्योर करना चाहिए और मैं अभी सिग्नेचर करता हूं, मैं अभी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता हूं। तो दोस्तों अगर क्लाइंट आपको ना बोले तो ये जो टेक्निक मैंने बताई, ये टेक्निक आपको आजमानी है, आपको चुपचाप नहीं बैठना है, क्लाइंट से आपको सवाल करने हैं। मेरे जो प्रिय मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स हैं वो लोग गलती क्या कर देते हैं, जाके चुप बैठ जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन आता है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, कोई सवाल आता है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। सवाल भी पूछो और जवाब भी दो, ये दोनों काम आपको करने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देख के आपको क्या लगता है, आप क्या क्लाइंट अगर ना करे तो उसको हाँ में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी बताइए कि आप इस ना को हाँ में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो से जुड़ने के लिए। और हाँ एक चीज मैं भूल गया हूँ, संडे को रात 9 बजे मैं अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, यूट्यूब लाइव प्रोग्राम, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन साइड में जो बेल आइकन है ना उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, तभी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी मेरे लाइव शो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।